मित्रों, किसी के बारे में गलत अनुमान लगाना, गलत सोच रखना व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में गुमराह कर देता है। याद रखना, मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्रेम और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एम नाम वाले लोगों के जुलाई और अगस्त महीने के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एम नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं यम नाम वाले लोगों के जुलाई और अगस्त महीने के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो यम नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करें तो राशिफल में सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन के मामले में अगर हम यम नाम वाले लोगों के लिए देखें तो जुलाई और अगस्त का जो महीना है, इन दोनों महीनों में अगर हम देखें तो जुलाई के महीने में आपको अपने बजट पर नियंत्रण बनाकर चलने की बहुत आवश्यकता होगी और 25 जुलाई से 31 अगस्त तक का समय धन और आय के मामले में बेहतर होगा। वहां पर अगर धन के मामले में कोई भी कार्य आपके रुके हुए हैं अब तो वो पूरे होंगे और अगर आय में भी कोई संघर्ष देखने को मिल रहा है तो वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। यानी धन और आय के मामले में 25 जुलाई से 31 अगस्त तक का समय काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा और 25 जुलाई तक का जो समय है वहाँ पर, खासकर 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का जो समय है वहाँ पर आपको बजट बनाकर चलने की बहुत आवश्यकता होगी। वहाँ पर आपका, आपके खुद को लेकर या परिवार के किसी सदस्य को लेकर कोई ना कोई ऐसा खर्च आ सकता है या फिर ऐसा कोई व्यापारिक खर्च आ सकता है जहाँ पर आपका बजट खराब हो सकता है, तो वहां पर इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और धन और आय के मामले में आपको कुल मिलाकर अगर देखें तो अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। 25 जुलाई से 31 अगस्त तक का समय ज़्यादा बेहतर है और 8 जुलाई से 25 जुलाई तक के समय में थोड़ा बजट बनाकर चलने की आवश्यकता है। व्यापार, कारोबार और नौकरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए आपको जुलाई और अगस्त के महीने में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी विदेशी कंपनी में कार्य करते हैं, अगर आपके विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार करते हैं, तो आपके लिए अगस्त का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा और अगर कोई सामान्य कारोबार करते हैं तो वहाँ पर जुलाई ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जुलाई और अगस्त में अगर देखें तो मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और कुल मिलाकर अगर देखें तो बहुत कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन अगर व्यापार में कोई विस्तार करना चाहते हैं तो अगस्त के महीने में सोच समझ कर विस्तार करें, वरना वहाँ पर हानि उठानी पड़ सकती है। और अपने कार्य क्षेत्र में अगर कोई बदलाव चाहते हैं तो वहां पर अगस्त के महीने में थोड़ा सा सोच समझकर ही आप बदलाव करें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। जुलाई का महीना व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए बेहतर समय रहेगा और अगस्त के महीने में उतने बेहतर परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, वहां पर सामान्य परिणाम की उम्मीद आप कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपके लिए जुलाई और अगस्त के जो महीने हैं वहाँ पर आपको छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी बहुत आवश्यक होगी। पिता के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी आवश्यक होगी, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। अपने संतान के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें, वहाँ पर आपके संतान के साथ गलतफहमियाँ हो सकती हैं, पिता के साथ गलतफहमियाँ हो सकती हैं, छोटे भाई बहनों और मित्रों के साथ गलतफहमियाँ हो सकती हैं, इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। और बड़े भाई बहनों के साथ भी आप अगस्त के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पारिवारिक सदस्यों के साथ आपको तालमेल तो बनाकर रखना ही होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे पारिवारिक जीवन में। तो पारिवारिक सदस्यों के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखें, अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध से बचें तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए जो समय जुलाई और अगस्त का है वहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई पहले से गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वहाँ पर समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं, वहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और अगर कोई भी समस्या ज़्यादा परेशान करती है तो आप उसका ध्यान रखें, अपनी दवाइयाँ समय पर लेते रहें, डॉक्टर से परामर्श लेते रहें। गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है, और वैसे भी अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो स्वास्थ्य का ध्यान आप रख कर चलें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि कोई बहुत स्वास्थ्य समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और स्वास्थ्य के मामले में मैं कभी भी यही कहता हूं कि कभी भी लापरवाही नहीं बरतें और आप स्वास्थ्य के मामले में डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें।
शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए आपको जुलाई और अगस्त दोनों महीने अगर आप विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप विदेश में कोई दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, तो जुलाई और अगस्त के महीने में प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है, आपका दाखिला भी विदेश में हो सकता है। तो विदेश में शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है। और अगर आप कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई रिसर्च आदि कर रहे हैं, कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा आपको एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर एकाग्रता बनाना आपके लिए आवश्यक होगा। अगर आप एकाग्रता बनाकर नहीं रखेंगे तो शिक्षा में फिर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि शिक्षा में आप एकाग्रता बनाकर रखें। अगर आपकी एकाग्रता में कोई कमी होती है तो आप शिक्षा में अच्छा नहीं कर पाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर रहेंगे, लेकिन जीवन साथी आपके संबंधों को लेकर आपके बारे में जानने की कोशिश कर सकता है। अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो जुलाई और अगस्त के महीने आपको अच्छे परिणाम नहीं दिखाएंगे। अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार हैं, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, और अगर जीवन साथी के साथ कोई भी मतभेद चल रहे हैं, आप उन मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं, तो 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय बेहतर है। वहां पर अपने अहम पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, और आप प्रयास कर सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में आपको सफलता मिल सकती है, वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो मतभेद भी आप अपने समाप्त कर सकते हैं, जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, रोमांटिक समय रहेगा, लेकिन आप ध्यान रखकर चलें कि विवाह से कोई संबंध है तो वहां पर भी वाद विवाद देखने को मिल सकता है, और उस कारण आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार की शंका और गलतफहमियों से बचकर रहें, नहीं तो वहां पर शंकाएं बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिल सकती हैं, गलतफहमियां जल्दी जल्दी देखने को मिल सकती हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह के व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और आपके जीवन साथी के साथ कोई ना कोई यात्रा इन दोनों महीनों में बनती है। अगर आपकी कोई ना कोई यात्रा होती है तो छोटे मोटे मतभेद आपके स्वतः ही वहां पर समाप्त हो जाएंगे, और वैवाहिक संबंधों में आपके संबंध भी मधुर होंगे, एक दूसरे पर भरोसा भी बढ़ेगा। चलिए प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में जुलाई और अगस्त अच्छे परिणाम दिखाएंगे। आप देखेंगे आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ रोमांस बना रहेगा, और अगर नए प्रेम संबंध है दोनों महीने बहुत ही रोमांटिक जाएंगे। अगर पुराने प्रेम संबंध है तब भी रोमांस रहेगा, नए प्रेम संबंध हो या पुराने प्रेम संबंध, रोमांस तो बढ़ा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि गलतफहमियां आपको परेशान कर सकती हैं, शंकाएं परेशान कर सकती हैं, और इस कारण आप दोनों के बीच वाद विवाद हो सकता है। तो गलतफहमियां ना बढ़ने दें, शंकाएं ना बढ़ने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें, और प्रेम संबंधों में अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें। पुरानी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा ना करें, व्यर्थ की बातें बड़ी ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें आप। और प्रेम संबंधों में अगर साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो वो आसानी से आपके जुलाई और अगस्त में वाद विवाद नहीं समाप्त हो पाएंगे। अगर कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी। और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाना आवश्यक होगा, और जो भी बातें आपने अपने साथी से छुपा रखी हैं उनको शेयर करना आवश्यक होगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में अगर आप साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो ये दोनों महीने ऐसे होंगे जब आप अपने साथी को प्रस्ताव देने से पहले उसके बारे में पूरी तरह जांचें और जानें, मतलब उसके बारे में जानकारी पूरी रखें, तभी आप मित्रता का हाथ बढ़ाएं, नहीं तो फिर इस समय जो साथी आपके जीवन में आएगा वो लंबे समय तक आपका साथ नहीं निभाएगा। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही रहेगा कि रविवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को गेहूं और गुड़ का दान आप कर दें, प्रत्येक रविवार को करें, आप देखेंगे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एम नाम वाले लोगों के जुलाई और अगस्त महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।